एवरीवन दिस इज वेरोनिका आज हम एक नई स्टडी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे टर्माइट्स के बारे में बात हुई है टर्माइट को आप हिंदी में क्या बोलते हैं दीमक जो लगती है आप घर में लकड़ी में देखेंगे दीमक लग जाती है अब यहाँ पे इनके बिहेवियर की बात की गई है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वार्मिंग वर्ल्ड वो इससे कैसे रिलेटेड है ये मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगी बाकी यहाँ पे आप मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ क्वेरी हाउ टू प्रिपेयर वेर टू प्रिपेयर सो हाउ टू माइट बिहेवियर इज लिंक्ड टू वार्मिंग वर्ल्ड तो ये हमारा आज के डिस्कशन का मेन मुद्दा रहेगा तो जैसे मैंने आपको बताया टर्माइट को हिंदी में क्या कहा जाता है दीमक की बात हो रही है तो आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपने टर्माइट्स देखे हैं दीमक लगे हुए कहीं पे देखा है अब जो ये रिसेंट स्टडी हुई है इन्होंने कहा कि जो टर्माइट्स हैं ये वुड को क्या करती हैं डीकम्पोज करती हैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो घर वाले ऐसे बोलते हैं कि लकड़ी को खाने वाला कीड़ा इस तरीके से कहा जाता है तो ये वुड को डीकम्पोज करती हैं और देखा गया कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है जहाँ पे वार्म कंडीशंस हैं वहाँ पे ये डिकम्पोजिशन का रेट इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज हो जाता है गुड तो इससे नुकसान क्या है ये आप जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा से ये आपका है निकोलॉजी एवरी टेन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर जैसे जैसे दस डिग्री के फर्क पे आप मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा इनकी डिकॉम्पोजिशन की जो एक्टिविटी है वो सात गुना बढ़ जाएगी तो दस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा तो आप इनकी एक्टिविटी डिकम्पोजिशन की सात गुना ज़्यादा हो गई ये रीसेंट स्टडी में पाया गया है ये छपा है साइंस करके जनरल उसमें ये प, पब्लिश हुआ है और अब ये चीज़ तो हमको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो टर्माइट्स जो हैं वो दुनिया भर में फैलती जाएंगी क्योंकि जहाँ भी वार्म कंडीशन मिलेंगी इनका सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाएगा डिकॉम्पोजिशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा जितनी तेजी से ये वुड को डिकम्पोज करेंगी तो अल्टीमेटली उसकी वजह से टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाएगा तो ऑलरेडी अगर आपका टेम्परेचर वार्म है जिस एरिया का गर्म टेम्परेचर है वहां पे टर्माइट की एक्टिविटी इंक्रीज हुई टर्माइट की एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो ग्लोबल वार्मिंग फिर से इंक्रीज होगी तो विशियस साइकिल बन जाएगा क्योंकि ये ये जो हैं जब वुड पे दीमक लगती है डेड वुड को कंज्यूम करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज करते हैं तो जब ये एटमॉस्फेयर में कार्बन को रिलीज करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग और इंक्रीज होगी तो आई होप यू गॉट द कनेक्शन आपके टर्माइट्स ऑलरेडी भी थे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जनरली देर आर वार्मेम्परेचर्स वार्म टेम्परेचर्स में इनका डिकोम्पोजिशन एक्टिविटी इंक्रीज हो गया और डीकोपोजिशन एक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो टर्माइट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे और फिर ये टर्माइट्स और ज्यादा कार्बन को एटमोसफेयर में रिलीज करेंगे और एटमोसफेयर को वार्म करते रहेंगे तो देन इट इज अ साइकिल जिसको स्टॉप करना मुश्किल हो जाएगा अब टर्माइट्स की मानी जाती है कि थ्री थाउजेंड स्पीशीज दुनिया भर में है जो कि प्लांट मटीरियल कंज्यूम करती है और सॉइल को खाती हैं प्लांट मटेरियल सॉरी दो चीजें और वुड ईटिंग टर्माइट्स अगर आप देखेंगे दुनिया में ज्यादा उनकी स्पीशीज पाई जाती है प्लानट के इको में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है क्योंकि जो डेड वुड है आपकी उसको फाइनली ये क्या कर रही है डिकम्पोज कर रही है तो वो भी उसकी भी तो जरूरत है ना डेड वुड को डिकम्पोज करने के लिए हमको कोई चाहिए तो इकोसिस्टम में इसलिए इनका रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है अब एक और चीज टर्माइट्स के बारे में कि 120 मिलियन सालों से ये धरती पे हैं ये चीज मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज यू नो बहुत से स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए इंसेक्ट के या किसी भी चीज़ के एनिमल की कोई भी स्पीशीज आप उठा लेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो गए विद टाइम क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाए कंपटीशन सहन नहीं कर पाए लेकिन ये 120 मिलियन ईयर्स से जीती आ रही हैं अब इनका लाइफ साइकिल कॉलोनी का कैसा रहता है कि विंग्ड रिप्रोडक्टिव एलेट उसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव आफ्टर लॉस ऑफ विंग्स विंग्स अगर ये खो देंगे देन दे आर स्टिल रिप्रोडक्टिव किंग स्मॉल साइज में होता है क्वीन इज इन अ बिगर साइज ये एग देंगे लार्वा बनेगा लार्वा में से तीन चीजें बन सकती हैं वर्कर सोल्जर निम्स ठीक है ये इस तरह का इनका साइकिल जो है वो रहता है अब दूसरी बात आती है कि ये जो टर्माइट्स हैं ये वुड पे फीड क्यों करती हैं वुड को कंज्यूम क्यों करती हैं वुड में ऐसा क्या है तो ये आपके प्रॉलम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वुड में है सेल्यूलोस तो ये सेल्यूलोज उससे डिराइव करती हैं तो एग्जैक्टली exactly वुड को नहीं खा रही हैं दे डिराइव फ्रॉम इट और न्यूट्रिएंट्स को वहां से ये डिराइव करती हैं क्योंकि इनको जीने के लिए सेल्यूलोर्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए टर्माइट्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम अब एग्जैक्टली exactly इनका बहुत अच्छा वेल बिल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है सो यू कैन जस्ट से गट इनके गट में बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ होता है जो इनको इस सेलुलोज को तोड़ने में सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वुड में उनको तोड़ने में हेल्प करता है बा अ अदरवाइज बाकीिएटर्स के लिए सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इज डिफ़िकल्ट लेकिन इनके पेट में गट में एक बैक्टीरिया है जो सेलुलोज को तोड़ता है इनके लिए सो so, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं सेलुलोज फाइबर्स को न्यूट्रिशियस मील में कन्वर्ट करते हैं एंड दे एलो टर्माइट्स एक्सेस टू फूड सोर्स तो मतलब उनके लिए कि फूड सोर्स हो गया जो बाकी के स्पीशीज जिसको इग्नोर करेंगे उसको हाथ नहीं लगाएंगे नाउ एक बहुत ही यूनिक बात है टर्माइट के बिहेवियर के बारे में ये यूनिक बात है कि हमेशा खाती रहती है ऐसा नहीं है कि पेट भर गया तो चलो रुक जाओ नो दे नेवर स्टॉप ईटिंग दे कीप ऑन ईटिंग एक बार इन्होंने अपने घर में जैसे हमारे घर में जम्मू कश्मीर में आप बोलेंगे तो बहुत दीमक लगती है वहां पे लकड़ी में तो वहां पे एक बार इन्होंने आपके घर में खुद को स्टैब्लिश कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल है इनका वहां से निकलना बिकॉज इनकी कॉलोनीज बढ़ती जाएंगी एंड जिसमें भी सेल्यूलोर्स होगा कोई भी ऐसी चीज जिसमें सेल्यूलोज होगा ये उसको डिग्रेड डीकम्पोज करती जाएंगी अब कुछ स्पेसिफिक वुड भी है वुड भी अलग अलग पेड़ों की अलग अलग तरह की होती है तो टर्माइट uh, का फेवरेट क्या है टेक्निकली अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बोला ऐसे वुड को नहीं खा रही है सेलुलोज को खा रही है द फीड ऑन सेलुलोज फाइबर्स जो कि वुड में पाए जाते हैं बट uh, जो अलग अलग तरह के वुड्स में सेलुलोज है इनके प्रेफरेंसेस जैसे होंगे अनट्रीटेड सॉफ्ट वुड्स पाइन सिदार सिप्रस फर हार्ड वुड्स में ओक हिकरी स्वीट गम मैपल ड्राई वॉल में आप देख सकते हैं पार्टिकल बोर्ड प्लाईवुड That has not been pressure treated, जिसको pressure नहीं किया वो वाली को भी ये खाएंगे तो ये इनका भोजन है अब ये जो पर्टिकुलर स्टडी हुई जो मैंने आपको पूरा समझाया कि इन्होंने क्या इसमें देखा है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं तो स्टडी में यही कहा कि ये तो चीज हमको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग वाली कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है इट इज गेटिंग वार्मर और क्यों होता जा रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्योंकि ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस की है अब टर्माइट्स क्योंकि वार्म वार्मेम्परेचर में इजीली सरवाइव करती हैं तो पूरी दुनिया में स्प्रेड होती जा रही हैं फैलती जा रही हैं जिससे आगे भी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया डोंट फॉरगेट कार्बन रिलीज करते हैं एटमोस्फेयर में सो so, जो इस ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट है टर्माइट का तो आप देख सकते हैं कि वुड को डिकम्पोज करने में इम्पैक्ट है ग्लोबल कार्बन स्टॉक इंक्रीज कर रहा है एटमोसफेयर में अदरवाइज uh, वुड क्योंकि देखिए वुड क्या है फॉरेस्ट फॉरेस्ट में ट्रीज ट्रीज में वुड तो वो कार्बन सिंक है है ना तो फॉरेस्ट या वुड बहुत ज़्यादा कार्बन का स्टॉक है उसमें तो जब ये इतना ज़्यादा इनका नंबर बढ़ जाएगा और ये वुड को डिकम्पोज करते जाएंगे तो ढेर सारा कार्बन जो है वो रिलीज करेंगे सो so यहाँ पे यही बात की गई डेड पार्ट ऑफ ट्रीज दैट कंटेन कार्बन मेक्स देम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लान इको सिस्टम बस इस डेड वुड की वजह से ही टर्माइट का इतना इम्पोर्टेंस इको में है तो ये रिसर्च इन्होंने कैसे की हंड्रेड uh, से ज्यादा साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उन्होंने uh, ये जो वुड के ब्लॉक्स हैं इनको 133 अलग अलग जगह पे दुनिया के अलग अलग कोनों में रखा एंटार्टिका को छोड़ के और वहाँ पे देखा कि किस तरह से टर्माइट्स इन पर फीड कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि जो स्पीड है जब उन्होंने मेजर किया क्लाइमेट पर वो इनकी ज़्यादा है डिफरेंट क्लाइमेट्स पे डिफरेंट स्पीड है बट जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे ये तेज़ी से खा रही हैं तो एज एक्सपेक्टेड जो माइक्रोब्स टर्माइट्स हैं वो पीसेस को डिकम्पोज करते जा रहे थे जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज इंक्रीज था अब इस चीज़ को समझना टर्माइट्स जिस रीजन में टेम्परेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस है वो सात गुना ज़्यादा जहाँ पे बीस डिग्री सेल्सियस था एक जगह का टेम्परेचर बीस डिग्री था एक जगह का टेम्परेचर तीस डिग्री था तो यहाँ पर सपोज इस वन की स्पीड से ये बीस डिग्री पे टर्माइट वुड को खा रही थी कंज्यूम कर रही थी तो थर्टी डिग्री पे मैंने आपको पहले ही बताया सात गुना ज्यादा तेजी से खा रही थी तो यहाँ से इनका ये जो है कंक्लूजन निकला अभी वैसे भी क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं ट्रॉपिकलाइजेशन की वार्मिंग जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में भी शिफ्ट हो रही है तो मतलब जो टर्माइट्स है उसको अर्थ के बाकी सरफेस का भी एक्सेस मिलता जाएगा वो वहां पे भी थ्राइव करने शुरू हो जाएगी अभी देखो ये तो हमको पता है कि इंसेक्ट्स ठंडे इलाके में भी पाए जाते हैं लेकिन उनका बहुत ही लिमिटेड रोल रहता है जबकि वुड की बात आती है तो टर्माइट्स अगर आप देखें ये हाईली डिस्ट्रक्टिव टर्माइट्स हो सकती है और आने वाले समय में ये सुपर टर्माइट जैसे सुपर बग बोलते हैं ना सुपर टर्माइट्स भी बन सकती हैं तो दिस इज समथिंग टू तो बी टेकन केयर ऑफ तो टर्माइट्स वाला अगर ये किस्सा जो मैंने आपको एक सुनाया दिस इज़ फाइन बाकी इसके क्या हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज पे सो so, सिर्फ टर्माइट्स ही इफेक्ट नहीं हो रही हैं टर्माइट्स ही इफेक्ट नहीं हो रही हैं बढ़ते टेम्परेचर से ग्लोबल टेम्परेचर से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है उनका टेम उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इकोसिस्टम की हेल्थ गिरती जा रही है एक समय था कि पोलर बियर क्या खाते थे पोलर बियर बहुत ज्यादा सील्स को खाते हैं इसमें मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था पोलर बियर का यूजुअली खाना क्या होता है सील्स ठीक है तो जिस तरह से फूड चेन होती है तो यू सी सील्स उनको कौन खा रहा है पोलर बियर्स खा रहे हैं बट अब जैसे जैसे आइस मेल्ट हो रही है तो उनको पानी में जाने के लिए आइस खड़े होने के लिए नहीं मिलती तो वो सील्स को नहीं किल कर पा रहे नहीं मार पा रहे क्योंकि आर्टिक आइस जो है वो मेल्ट होती जा रही है तो अब पोलर बियर को कुछ ना कुछ तो खाना ही है ना तो वो क्या खाने लग गए अदर क्रिएचर्स एक जगह हमने देखा था वो रीन रीनडेयर्स को खाना शुरू कर दिया है, तो बाकी क्रिएचर्स को खाना शुरू कर दिया है जिससे बाकी स्पीशीज जो हैं जैसे आर्टिक फॉक्स हो गई वॉलरस हो गया उनकी स्पीशीज़ को थ्रेट है क्योंकि पहले पोलर बेयर उनको ज़्यादा नहीं खाते थे सील्स पर डिपेंडेंट थे बट अब सील्स को नहीं मार पा रहे तो बाकी क्रिएचर्स को खाना शुरू कर दिया तो उनकी पॉपुलेशन खतरे में आ गई क्योंकि डायनेमिक्स जो है फूड चेंज के या फूड वेब के वो चेंज हो गए उसके बाद अगर सील्स को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा कोई सील्स को नहीं खा रहा है तो वॉट विल हैपन सील का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा जब सील का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तो सील्स किसको खाते हैं सील्स खाते हैं क्रस्टेशियंस को काइंड ऑफ एक्वाटिक एनिमल क्रस्टेशियंस फिशेस पे फीड करते हैं तो यहाँ पे क्रस्टेशियंस और फिश का पॉपुलेशन खतरे में आ जाएगा क्योंकि सील्स का पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गया तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अगर एक चीज एक एंगल हिलता है तो उसका एक चेन रिएक्शन होता है सब पे उसका इफेक्ट होने लग जाता है फेब्रवरी so 2022 में एक स्टडी थी जहां पे देखा गया हायर टेम्परेचर की वजह से विच आर मेकिंग प्लांट्स अक्रॉस ब्रिटिश आइल्स फ्लार तो जब उनका खिलने का टाइम है वो समय से पहले खिल रहे हैं एक महीना पहले वो खिल रहे हैं जिससे क्या होगा चेन ऑफ इवेंट्स कि पूरा सिस्टम इको सिस्टम जो है वो कलैप्स कर सकता है ख़त्म हो सकता है तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में कि एक पूरा चेन है एक हर चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट है इनमें से एक चेन भी ब्रेक होती है तो पूरा इको सिस्टम जो है वो कलेप्स हो सकता है सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा कोई भी क्वेरी है आप मुझे कनेक्ट कीजिए बाकी आप यूपीएससी की तैयारी हमारे साथ आसानी से कर सकते हैं अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरा कोड यूज़ कीजिए मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम देखिए अन अकेडमी का सबसे खूबसूरत बात की बहुत से टीचर्स हैं आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं जो चीज आपको बाकी जगह पर नहीं मिलती फ्री एक्सटेंशन वीक भी है वापस। सो वीरो यूपीएससी इज द कोर्ट लास्ट रिविजन बैच हमारा फिफ्थ जनवरी ट्वेल्थ जनवरी से शुरू हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जीरो परसेंट ई पे कोर्स ले सकते हैं इंटरव्यू फ्री गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है यू कैन गो फॉर इट टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बाच के लिए ऑफलाइन सेंटर भी खुला आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हैं और जो यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेंगे उनको ये जो प्लस क्लासेज हैं हमारा पेड ऑनलाइन चलता है उसका फ्री एक्सेस जो है वो मिलेगा सो आई होप दैट्स क्लियर टू यू थैंक यू सो मच